हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक वॉच करें। ये वीडियो है जन्माष्टमी के दिन की और ये धानी की फर्स्ट जन्माष्टमी थी, तो हम लोग नानी के घर ट्रैवल करके जा रहे हैं। ये उस टाइम का क्लिप है, तो प्लीज़ इन्जॉय कीजिए और एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट करके आप अपने सजेशन और फीडबैक भी दे सकते हैं। और हाँ, यहाँ हम लोग अपने गाड़ी से ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, जो कि 250 से 300 किलोमीटर का रास्ता है, तो आप इंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। और यहाँ पे ये इसकी कुछ मस्ती चल रही है गाड़ी में, ये मुझे बहुत ही परेशान कर रही थी, तो मैंने कुछ मोमेंट्स इसके कैप्चर किए थे। ये इस पिलो को रख के इसके ऊपर चढ़ के पीछे जाके शीशे में पीछे आने वाली गाड़ियों को देख रही है, और ये इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही है, इसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये कैसे इन्जॉय कर रही है अपनी राइड को, अपनी गाड़ी में जाते हुए अपने इतने दूर के ट्रैवल को इसने बहुत ही ईजी बना दिया था। और यहाँ पे धानी की मासी मिल गई थी, जो कि हम आधे रास्ते ट्रैवल करने के बाद ये हमारे साथ घर तक गई थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी मासी को अपनी गाड़ी साथ ट्रैवल करते हुए देख के, और ये बहुत ही इंजॉय करते हुए जा रही है। इसने पूरे रास्ते सिर्फ इंजॉय किया है और ये बिल्कुल भी नहीं सोई थी। और ये आप देख सकते हैं, ये एक्सप्रेस वे का व्यू है, जो कि ये ताज एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे के बाद जो नेशनल हाईवे आता है, हमने उसको छोड़ दिया था वहाँ से। और ये हैं जन्माष्टमी के दिन की कुछ क्लिप, जब हमने इसके लिए कुछ ऐसा केक ऑर्डर किया था और इसको तैयार किया था। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ बिहाइंड द सीन्स हैं, हमें कितनी मुश्किल से इसको रेडी किया था। ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं बैठ रही थी और बिल्कुल भी रेडी होने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि इसे बहुत ही अजीब लगता है जब इसे कुछ भी पहना दो या कुछ भी इसकी बॉडी पर लगा दो, तो ये ऐसे ही इरीटेट करती है। तो हम इसे फ़ोन दिखा के इसको रेडी कर रहे थे, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क था हम सब के लिए। हम सब इसके इसी काम में लगे हुए हैं कि इसको तैयार कर दें, सो दैट कि ये हमारी छोटी सी कान्हा जी बन जाए।
और उसके बाद ये क्लिप है, हम अपने होम टाउन के मार्केट में गए थे। आप चाहे कितनी भी चांदनी चौक से शॉपिंग कर लो, नोएडा के अट्टा बाज़ार से शॉपिंग कर लो, बट अपने होम टाउन की जो छोटी छोटी शॉप है वहाँ से शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है, एक अलग ही फीलिंग आती है। हम कुछ ढूंढ रहे थे सारी शॉप्स में जो कि हमें नहीं मिल रहा था, पर अब मुझे याद नहीं है मैं क्या ढूंढ रही थी। तो ये हमारे होम टाउन की बहुत ही छोटी सी मार्केट है और बहुत ही अच्छी सी, जिसको मैंने बहुत टाइम के बाद विज़िट किया था। और उसके बाद हम गए थे एक चूड़ी की शॉप पे जो कि हमारे होम टाउन की मार्केट में, और हमने वहाँ से बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ और कंगन परचेज़ किए थे जो कि बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे। ये हम सभी फैमिली मेंबर्स जा रहे थे शीतला माता मंदिर, जो कि हमारे होम टाउन में और बहुत ही फेमस मंदिर है, जहाँ मैं बचपन से हमेशा जाती आई हूँ और अभी भी जाती हूँ। पहले मैं जाती थी अपनी फैमिली के साथ, अब मैं अपनी डॉटर को भी लेकर जाती हूँ। ये जो कि एक बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही फेमस मंदिर है शीतला माता का, हमारे यहाँ पे पूजा भी की जाती है और हम उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं अपनी डॉटर को लेकर जा रही थी जो कि आगे बैठी हुई है और बहुत ही इंजॉय कर रही है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है कहीं भी जाना आना रेडी होके और फिर वहाँ पे घूमना फिरना, जो कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नहीं तो बहुत से बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं, जो कि ये नहीं करती, इसकी हैबिट नहीं है ये, और हमने इसको शुरू से हमेशा बाहर लेके जाना घुमाना फिराना हम शुरू से ही किया है, तो इसकी ये हैबिट में आ चुका है, तो ये अब परेशान नहीं करती, एडजस्ट कर लेती है किसी भी माहौल में और ढल जाती है। इसको बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे ट्रैवल करके जाना आना, और आप देख सकते हैं कितना इंजॉय कर रही है, कितनी खुश है। ये पीछे हम लोगों को देख रही है, ये पापा के साथ बैठी हुई है आगे, और ये हम लोगों को देख के हंस रही है, खुश हो रही है। और फिर ये हम पहुंच गए थे मंदिर जो कि ज़्यादा दूर पे नहीं है, पास में ही है, और ये है शीतला माता मंदिर। बहुत ही प्राचीन और पुराना मंदिर है और बहुत ही फेमस मंदिर है, जहाँ हम अपनी मन्नत मांगने प्रसाद चढ़ाने हमेशा सभी लोग जाते हैं और बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं, और नवरात्रि में तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। आज ये अभी जन्माष्टमी का टाइम चल रहा था तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप देख सकते हैं हमने बहुत ही आराम से दर्शन किए, वरना यहाँ पे दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत भीड़ होती है, लाइन में लगना पड़ता है।